आज विवाहित महिलाओं का सबसे बड़ा त्योहार करवा चौथ पूरे देश में मनाया जा रहा है। पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि जीवन के लिए महिलाएं पूरे दिन बिना अन्न जल खाए व्रत रखती हैं और रात को चांद दर्शन करने के बाद ही अपना व्रत तोड़ती है। पति पत्नी के इस सबसे पवित्र रिश्ते का खुशनुमा एहसास कराता है करवा चौथ का त्योहार। हम अपने खास कार्यक्रम में आपको बताएंगे कैसे करवा चौथ की पूजा और कैसे तोड़े करवा चौथ का व्रत। हमारे साथ रहेंगे पंडित जी, और जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में, पंडित जी आपका स्वागत है। अशोक पंडित जी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है और आपको बताएंगे कि कैसे करवे करवा चौथ का ये व्रत। नाना चंदा तू नहीं आना वरना सनम चला जाएगा। हालांकि अभी आधा दिन ही बीता है, लेकिन सुबह से अन्न जल त्याग कर अपने पति की लंबी आयु की कामना कर रही महिलाओं के मन में कहीं ना कहीं चांद की दीदार की ललक बढ़ने लगी होगी। महाराष्ट्र के समय के मुताबिक आज रात करीब 7:50 को निकलेगा चांद, लेकिन उससे पहले शाम को करनी होगी पूजा और उसके बाद व्रत तोड़ने की तैयारी। अगर आपको करवा चौथ व्रत और पूजा के बारे में कोई शंका हो, आपके लिए बहुत जरूरी है हमारी ये खास पेशकश। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में वास्तु शास्त्री और ज्योतिष आचार्य अशोक शर्मा जी मौजूद हैं। अशोक जी आपका स्वागत है। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो करवा चौथ व्रत रखा जाता है, इसके पीछे की कथा क्या है, आखिरकार क्या है इसका महत्व? करवा चौथ का व्रत सौभाग्य के लिए रखा जाता है, इस बात को समझें। इसकी कई कथाएं हैं जी। ऐसी कथा है कि द्रौपदी ने इस व्रत को करने के लिए कृष्ण से प्रेरणा ली थी क्योंकि वो वनवास में थे अकेले। इसके अलावा एक कथा ऐसी है कि एक साहूकार को 7 थे और एक बहन थी, एक बेटी थी, तो उसकी उसके पति के लिए कुछ असुविधा हो गई जिसके लिए करवा चौथ का व्रत रख के उसने फिर अपने पति को जीवित किया। इस प्रकार की कई कथाएं इस परंपरा को स्थिर करने के लिए हैं, लेकिन इस कथा का जो भावार्थ है वो ये है कि इससे मुझे सौभाग्य की प्राप्ति हो। सौभाग्य को बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए, जिसमें जीवन के सभी अंगों में सुंदर समन्वय बनाने की बात हो। हम चाहते हैं कि हमारे पति की उम्र लंबी हो, ऐसा नहीं है। पति की उम्र लंबी हो, उससे प्रेम बना रहे, हमारे घर में सुंदर वातावरण रहे, सौहार्दपूर्ण वातावरण रहे, ये सारी बातें उस सौभाग्य के अंदर आती हैं। जी बिल्कुल पंडित जी, साथ ही साथ ऐसा कहा जाता है कि सिर्फ पत्नियां ही नहीं बल्कि वो औरतें जो सगाई कर चुकी हैं, जिनसे शादी करने वाली हैं, वो तारा देकर अपना व्रत तोड़ती हैं। ये एक बात कहाँ तक सही है, क्योंकि काफी सारे लोग ये सारी बातें कहते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है? ये बिल्कुल सत्य बात है और ऐसा करना ही चाहिए। जैसे कि मैंने पहली बार में आपको बताया, सौभाग्य हेतु ये व्रत किया जाता है। सौभाग्य में सारी चीजें आ जाती हैं। जो महिलाएं जिनका विवाह जस्ट अभी तय हुआ है, वो महिलाएं भी अपने आने वाले जीवन को सुंदर बनाने के लिए, सुखमय बनाने के लिए अगर कोई भी प्रार्थना पूर्वक उपासना करती हैं तो इससे उन्हें जीवन में जरूर सफलता मिलती है, और ऐसा करना ही चाहिए। एकदम ठीक बात है जी। बिल्कुल पंडित जी, क्या तरीका होता है पूजा करने का, क्या कुछ विधि विधान होता है? साथ ही साथ अगर अगर औरतों को ध्यान में रखकर अगर बात करें या महिलाओं की बात करें, तो अच्छा पति पाने के लिए हमेशा शिव जी की पूजा करती हैं, सोमवार के दिन उनका व्रत वैसे ही रहता है और शादी के बाद ये करवा चौथ व्रत रखती है, क्या कुछ तरीका होता है और कैसे भगवान को प्रसन्न किया जाए ताकि जो फल है वो हमें जल्द से जल्द प्राप्त हो? जी गायत्री जी, ऐसा है कि भगवान शिव की पूजा का विधान इसमें है। इनफैक्ट अगर हम देखें, वास्तविकता ये है कि भगवान शिव और उनका परिवार एक आदर्श दाम्पत्य कहा जाता है, एक सुंदर परिवार कहा जाता है, इससे बड़ा सुंदर परिवार है नहीं। और महिलाओं से निमित्त जितनी भी पूजा होती है, इनफैक्ट हम कहें कि सौभाग्य से निमित्त जितनी भी पूजा होती है, उसमें शिव और गौरी का स्थान माना जाता है। अगर आप बहुत ध्यान से समझें तो आपको पता चलेगा कि ये इस पूजा के दौरान हम जब उपवास रखते हैं या महिलाएं उपवास रखती हैं, तो सफ़ेद बालू पर या एक सफ़ेद मिट्टी की लिपाई कर उस पर 5 देवताओं की मूर्ति रखते हैं। उस 5 देवताओं में कौन कौन होते हैं? शिव, पार्वती, कार्तिकेय, गणेश और चंद्र। महत्वपूर्ण बात है, ये सारे एक ही परिवार के सदस्य हैं और इनके परिवार के अंदर
आप देखेंगे तो बड़े विषमताएं आपको दिखाई देंगी, बड़ी विषमताएं आप देखेंगे ना, शिव जी जो कि पहाड़ों में रहने वाले फकीर और पर्वतराज की पुत्री पार्वती जो कि महलों में रहने वाली, इसके बावजूद दोनों के परिवार में बड़ा सुंदर तालमेल है। इतना ही नहीं, अगर हम देखें तो शिव का वाहन वृषभ, माँ पार्वती का वाहन सिंह, तो वाहन दोनों का एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे का शत्रु है, इसके बावजूद प्रेम है। परिवार के अन्य सदस्यों को देखें, कार्तिकीय मोर है उनका वाहन, शिव जी के गले में सर्प की माला, ये दोनों में विरोधाभास है, एक दूसरे के प्रति विरोधी हैं, इसके बावजूद पूरे परिवार में समन्वय है। हमारे ग्रंथ कहते हैं पंचदैवत अमित्युक्तम सर्व कर्मेशु पूजयेत, पांच देवताओं की पूजा करना और उसमें भी इनकी पूजा करना इस दिन, जो कि अनेक विषमताओं के साथ भी परिवार में कितना सुंदर वातावरण बना के रखते हैं, यही इस पूरी पूजा का उद्देश्य है कि इस पूजा को समझें, अपने अंदर अपने जीवन में उतारें। जी बिल्कुल पंडित जी, जिस तरीके से पंडित जी ने बताया कि बहुत जरूरी होता है, और शिव जी की आराधना तो वैसे ही औरतें करती ही हैं अच्छा पति पाने की, और जब शादी भी कर लेती हैं तब करवा चौथ का व्रत रखती हैं और उसमें भी शिव जी को ध्यान में रखकर पूजा की जाती है।